हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन साइंस कॉस्मोस। एंड आवर टुडेज़ टॉपिक इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। तो सबसे पहले एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस क्या होता है। जनरली इस डिसऑर्डर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले RH ग्रुपिंग के बारे में पता होना चाहिए कि RH ग्रुपिंग क्या होती है। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेंशन कर चुका हूँ कि RH ग्रुपिंग क्या होती है, तो उसी पर बेस ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस किस पर बेस्ड है? आरएच ग्रुपिंग पर बेस्ड है, जिसमें मदर और फीटस के बीच में, मदर और फीटस के बीच में जो ब्लड है उसकी मिसमैचिंग हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस डिसऑर्डर होने लगता है। ठीक है, किसके अंदर? फीटस के अंदर। तो सबसे पहले याद रखना है कि इसमें जो RH ग्रुपिंग है, इन केस ऑफ मदर आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि जो मदर है उसको RH नेगेटिव रिप्रेजेंट किया गया है और जो फीटस है उसको RH पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वर्ड जो यूज़ हुआ है, ये क्यों हुआ है इसको हमें समझना है। तो इन केस ऑफ मदर, जो मदर RBC है उस पर एंटीजन अब्सेंट होता है, डेट्स वाई जो मदर है वो RH नेगेटिव है। जबकि इन केस ऑफ फीटस अगर जो हम देखें, तो फीटस के केस में जो RBC है उसके सरफेस पर आपको एंटीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप RH एंटीजन की प्रेजेंस देखते हैं, डेट्स वाई फीटस को हम RH पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मदर का वो RH नेगेटिव है जबकि फीटस का RH पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन। तो इन केस ऑफ फीटस ये प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ मदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, अब जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, ध्यान रखना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है वो RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है। तो इस दौरान यहाँ पर ये जो ब्लड है ये पास आउट हो जाता है प्लेसेंटा से किसके अंदर? मदर की बॉडी में। तो जैसे ये ब्लड मदर की बॉडी में जाएगा, ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रेगनेंसी में बिकॉज पार्चुरेशन या वीकेंड से डिलीवरी के दौरान, तो जब डिलीवरी होती है उस दौरान ये जो ब्लड है ये मिक्स हो जाता है किसके ब्लड में? मदर के ब्लड में। तो जैसे मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड में ये एंटर होगा, ठीक है, उस दौरान मदर की बॉडी में एक स्पेशल एंटीबॉडीज जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं NTRH एंटीबॉडीज। अब ये NTRH एंटीबॉडीज ध्यान रखना है ये मदर की बॉडी में जनरेट हुई हैं किस दौरान? फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, जो फर्स्ट कंडीशन में कोई इफेक्ट्स शो नहीं करती, डेट मीन्स ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, डेट इज़ कॉल्ड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में ये फैटल कंडीशन बन सकती है। कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मदर अब इस टाइम NTRH एंटीबॉडीज कंटेनिंग रिप्रेजेंट कर रही हैं क्योंकि मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ये NTRH एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से होती हुई बेबी के अंदर या वी कैन से फीटस के अंदर चली जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जैसे ये मैटरनल सर्कुलेशन से होते हुए फीटस में जाएंगी, तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। अभी प्लेसेंटल ट्रांसमिशन क्या होता है ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो बार हुआ है, एक तो ब्लड का फीटस से मदर में जाना और मदर का ब्लड जो है वो फीटस में जा रहा है, ठीक है, जो क्या कैरी कर रहा है? एंटीबॉडीज। अब ये जैसे एंटीबॉडीज फीटस ब्लड में मिक्स होंगी तो वहाँ पर एक कंडीशन आप होते हुए देखेंगे जिसे कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। ये हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है? यहाँ पर RBC बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, ठीक है, रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है और रेट ऑफ फॉर्मेशन घट जाता है। तो डिस्ट्रक्शन का रेट बढ़ गया है और फॉर्मेशन का रेट घट गया है। इस कंडीशन में क्या होता है, तेज़ी से जो ब्लड काउंट है या फिर हम कह सकते हैं एनीमिया जैसी कंडीशन आ जाती है जिससे ब्लड में RBC काउंट बहुत तेज़ी से गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा फैटल होती है, जो हार्ट फेलियर या फिर हम कह सकते हैं कि जॉइंटिस जैसी कंडीशन की वजह से जो फीटस है उसकी डेथ हो जाती है। एंड डेट इज़ द रीज़न कि इस इनकम्पेटिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी या सबसिक्वेंट बाद एक इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है मदर बॉडी में, जिससे इन एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।